जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक धार्मिक प्रश्न की बात करेंगे। भीष्म पितामह हैं, सब जानते हैं, महाभारत के योद्धा। और ब्रह्मचारी, जिसकी वजह से उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ, अर्थात वो जब जाएंगे मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब अर्जुन के द्वारा उनको तीरों की शैया पर लेटना पड़ा, तो युद्ध पूर्ण होने के पश्चात जब वो मिलते थे सायका, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से। भगवान, पिछले 67 जन्मों का मुझे याद है, कि मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर यह पीड़ा, यह जो तीरों के शैया पर लेटा हुआ हूं, ये किस वजह से? इच्छा मृत्यु का मेरे को वरदान है, चाहूं तो मैं इसी क्षण मुक्त हो सकता हूं, लेकिन इच्छा नहीं हो रही और ये पीड़ा बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, आपको 67 जन्मों का याद है, 67 जन्मों के आगे चली, 68वां जन्म में आप याद कीजिए, राजा हुआ करते थे, आपके आखेट से एक हिरनी डर गई थी, अर्थात वो आपके तीर से नहीं मरी, आपने जब उसका आखेट किया तो डर के मारे खड्डे में कूद गई, जिससे वो आपके तीर से ना मरकर वो उन झाड़ियों में, कांटों की झाड़ियों में गिर गई। जितने कांटे थे उतने ही ये तीर हैं, जितने समय तक उसको पीड़ा हुई उतने समय तक आपको पीड़ा होगी, इसलिए आपको ये पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, अब भी याद रखिए, जब हम कोई भी पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, उसकी सजा ईश्वर कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी क्षण दे सकता है। तो ये था, ऐसे ही मैं आपको और भी प्रसंग लाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा, जिससे पाप भी कटेंगे, ज्ञान भी बढ़ेगा, धर्म के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, माता पिता को, जो भी धार्मिक व्यक्ति हो उसको आप शेयर कर सकते हैं। व्रत पाठ पूजा से संबंधित यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं, तो जन्म कुंडली के द्वारा विश्लेषण, आपकी समस्याओं का समाधान मात्र 2100 रुपये। कुंडली आपके पास उपस्थित नहीं है तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से उत्तर दिया जाएगा, उसके चार्ज है 3100 रुपये। तो शीघ्रता कीजिए, जल्दी कीजिए, फिर एक और विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक लीजिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।